हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं डाइट स्पेशल। हमारा सलाद बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली ले ली है। उसे हमें अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। इस तरह की हमें एक दरदरी सी पेस्ट तैयार करनी है। हमारी पेस्ट तैयार हो जाए उसके बाद एक कढ़ाई में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार की है उसे अच्छी तरह से सोते कर लेंगे। हम डाइटिंग के लिए ये सलाद बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑनियन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ऑनियन लिया है। ऑनियन को हमें 1 मिनट हाई फ्लेम पे ही सोते करना है। हमारा ऑनियन अच्छे से सौते हो जाए उसके बाद हम इसमें कैरेट ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कैरेट इस तरह राउंड कट करके लिया है। राउंड कट करने से ये आसानी से कुक हो जाता है और कुक होने में टाइम भी नहीं लेता है। उसके बाद कैबेज ऐड कर देंगे 1 कप जितना। उसे भी करीबन 1 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ब्रोकली ले ली है 1 कप जितनी। अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके जगह बीट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकली बहुत अच्छी है डाइटिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ली है। अब नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है। मैंने 3 रंग के कैप्सिकम ले लिए हैं यहाँ पे। अगर आपके पास 1 कलर के कैप्सिकम है तो आप 1 कलर के भी कैप्सिकम ले सकते हैं। कैप्सिकम को ऐड करने के बाद हम करीबन 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इस सलाद को हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि ये एकदम क्रंची बने। हमें सलाद को ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रहे ऐसा ही रखना है। सलाद हमारा तैयार हो चुका है, तो एक सर्विंग बाउल में हम ले लेते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कलर इसमें आ गए हैं इसीलिए। तो